विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों के साथ साथ जाति संगठन भी अपने अधिकार के लिए संघर्षरत है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने भी अपना राजनीतिक अधिकार मांगना शुरू कर दिया है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने राजनीतिक पार्टियों से 106 विधानसभा सीटों पर टिकट मांगा है। रायबरेली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे डॉक्टर सुमंत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राजनीतिक अधिकार यात्रा निकालने के लिए योजना बनाई है। डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने राजनीतिक पार्टियों को उनका वचन याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। इसी मानक को मानते हुए 406 विधानसभा सीटों में से 106 वैश्य बहुल सीटों में राजनीतिक पार्टियां समाज के लोगों को टिकट दें। राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर विजय रस्तोगी ने बताया कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक अधिकार यात्रा के माध्यम से वैश्य समाज अपना अधिकार लेने का काम करेगा। श्री रस्तोगी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां वैश्य समाज को वोट देने की मशीन समझती हैं, या उनकी भूल है, इसलिए अब हमें अपना राजनीतिक अधिकार भी चाहिए। कार्यक्रम में जिला पंचायत के चुनाव में जीते वैश्य समाज के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख सहित 29 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। वैश्य 100% महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता रस्तोगी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकल लाल गुप्ता एडवोकेट और जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता एडवोकेट आए हुए सभी अतिथियों का उन्होंने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में रूपा गुप्ता, अभिलाष कौशल, अभिषेक वर्मा, वीरेंद्र अग्रारी, शिवसागर अग्रारी, प्रखर चौरसिया, पवन गुप्ता, नागेंद्र गुप्ता, रत्नेश गुप्ता, पूजा गुप्ता, जुगल किशोर गुप्ता के साथ सैकड़ों लोग रहे मौजूद। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आज आने का उद्देश्य क्या रहा है भैया? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 17 अक्टूबर को उरई जनपद जालौन झांसी रोड पर राम राजा पैलेस गेस्ट हाउस में आहूत की गई है। इस सम्मेलन में हम लोग आने वाले कल के चुनाव की भावी रणनीति पर चिंतन मनन करके विचार करेंगे कि आने वाले समय में वैश्य समाज की राजनीति के क्षेत्र में कैसे प्रभावी भूमिका बने। इसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ रायबरेली की धरती पर आए हैं, जो वहाँ यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में भी हम लोगों का आमंत्रण निमंत्रण उन सभी बंधुओं को है कि 17 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में उरई पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात पर चर्चा करें। 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहाँ वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। इस बार हम लोगों ने तय किया है राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए 5 दिसंबर से राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 निकालने का निश्चय है। ये जी, आज मेरा रायबरेली आने का यही उद्देश्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 30% हमारी बहनें भी हर तरह से भागीदार हैं, तो हम अपनी बहनों का आह्वान करेंगे कि वो भी आएं और राजनीति में अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाएं, क्योंकि हर जगह महिला अपनी हिस्सेदारी निभा रही है, हर जगह उसको उसका हक मिल रहा है। तो मैं अपनी बहनों का यही आह्वान करने आई हूँ कि वो भी जहाँ तक हो सके अपना हिस्सेदारी निभाएं और अपने हक का यहाँ पर पूरा पूरा उपयोग करें।